मिराज पे आप ए साइट का कैसे कंट्रोल ले सकते हैं बेसिक स्मोक्स यूज़ करके, जिससे आप कॉम्पिटिटिव गेम्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन प्लेयर्स चाहिए होंगे। बेसिकली आप करेंगे पहला सिटी स्मोक, दूसरा जो हम स्मोक है वो होगा स्टेयर्स, और तीसरा हमारा जो स्मोक है वो होगा जंगल। तो आप कैसे ये तीनों स्मोक्स यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव मैचेस में इस साइड का कंट्रोल लेने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला सिटी स्मोक होगा। सिटी स्मोक के लिए बेसिकली आप यहाँ कहीं पे भी आ सकते हैं, और ये जो डोर है इसका मिडल एरिया जो ये पोर्शन है यहाँ पे, आप अपना क्रॉस एयर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है इसके मिडल में रखेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है इस वाली चीज़ की, इसके बिल्कुल एंड पे यहाँ पे एम करेंगे, और यहाँ से जंप थ्रो करेंगे आप इसका मिडल, उसके बाद यहाँ इसका बिल्कुल एंड पॉइंट का अबव वाला, और यहाँ से जंप थ्रो। जंप किया और आपने उसी समय थ्रो कर दिया जंप करते ही, तो इससे आपका सिटी स्मोक हो जाएगा। बेसिकली सिटी स्मोक हो जाएगा तो पूरी तरीके से ब्लॉक है विजन, उसको दिखाई नहीं देगा। अगर वो ऊपर चढ़ के कोशिश करेगा तो आप इसको मतलब टारगेट करके ट्राई कर सकते हैं मारने का, और आप मारने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप सिटी पर ध्यान देंगे तो उसका हेड दिखाई देगा आपको बेसिकली। तो ये हो गया पहला सिटी स्मोक। इसके बाद दूसरा जो है वो होगा स्टेयर से स्मोक। स्टेयर से स्मोक के लिए आप मतलब जो ये वाला एरिया है इसके बिल्कुल मिड में आप एम करेंगे। आप मिड में आ गए, ऐसे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद ये जो स्काई ब्लू एरिया है इसका, इतने में आप कहीं पे भी स्मोक करेंगे, यहाँ से थ्रो करेंगे स्मोक, तो वो सीधा जाएगा स्टेयर्स पे। स्टेयर्स ये वाली जगह होती है, ये जहाँ सीढ़ी होती है, तो हमारा स्मोक यहाँ कहीं आप आके गिरेगा जिससे स्टेयर्स का विजन ब्लॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल इसके मिडल में आपने एक तरह से एम कर लिया। एम करने के बाद इतना जो एरिया है इसके मिड में कहीं पर भी जहाँ आपको लगे मिड पॉइंट है, वहाँ से आप ऐसे स्टैंडिंग थ्रो कर दीजिए। स्टैंड करके थ्रो कर देंगे, इससे आपका स्टेयर्स स्मोक हो जाएगा। स्टेयर से स्मोक हो गया। तीसरा होगा हमारा जंगल स्मोक, जो कि होगा यहाँ पे। तो जंगल स्मोक के लिए भी आपका मतलब जो तीन प्लेयर्स की आपको ज़रूरत होगी इसके लिए, पहला सिटी करेगा, दूसरा स्टेयर्स और तीसरा जंगल। सिंक करना होगा आपको, तीनों आप एक ही टाइम पे करें। उसके लिए आप एक टाइम स्टैम्प बना सकते हैं, मतलब टाइम डिसाइड करके। तो इसको वाली आपको जो इसके पिलर्स हैं, इसमें पहला पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, एक तरह से मान लेते हैं ये पिलर्स है, तो इसके बिल्कुल आपको मिड में एम करना है। मिड में एम करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है ब्लैक कलर का, इस पे मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधे लाइन में ऊपर जाना है आपको, और ये जो एरिया है इसके बिल्कुल मिडल में एम करना है यहाँ पे इस लाइन के सीधे में। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मतलब परफेक्ट हो सकता है। 10-12 बार करेंगे हो जाएगा। यहाँ से आपने एम किया, यहाँ से इसके बिल्कुल मिड में, और यहाँ से ऐसे थ्रो कर देंगे सिंपल स्टैंडिंग थ्रो, इससे आपका हो जाएगा जंगल स्मोक। तो आपका ये जंगल स्मोक हो गया। जंगल स्मोक होने के बाद इसमें यहाँ से विजन ब्लॉक है, बट इस साइड से यहाँ से सिटी दिखाई देता है। अगर आप देख सकते हैं कि वो बंदा देख सकता है आपको, पर आप नहीं देख पाएंगे, काइंड ऑफ वन वे हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी बंदा यहाँ से पुश ना करे। यहाँ से पुश करेगा तो वो आपको मार देगा। आप उसके पैर तो देख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ से पुश करना रिस्की है। तो ये हो गया आपके तीनों स्मोक्स। अगर आप ये तीनों स्मोक एक साथ करते हैं तो आप पूरे साइड का कंट्रोल ले सकते हैं। उसके बाद तीनों प्रॉपर स्मोक्स हैं, तो आपको तीन प्लेयर चाहिए होंगे। तीन प्लेयर के लिए आप बेसिकली यहाँ से आपने एक स्मोक किया, उससे सिटी स्मोक हो जाएगा, यहाँ मिड में जाके इसके मिड पॉइंट से स्मोक के सेंटर में से, तो दूसरा स्मोक हो गया आपका। और तीसरा स्मोक जो है डिवीजन के लिए, मैं तीनों बता दे रहा हूँ आपको एक बार, इसके मिड में आ गया कहीं पे भी बिल्कुल, ये वाले डॉट से ऊपर गए उस वाले ये एरिया के लेफ्ट के मिड में, यहाँ से आपने थ्रो कर दिया, इससे आपके तीनों स्मोक्स हो जाएंगे। तीनों स्मोक करते ही आप देख सकते हैं कि पूरा साइड का आपके पास कंट्रोल होगा। आप एमएन से निकल के अंडर पैलेस एक बार क्लियर कर लेते हैं, तो आपको ट्रिपल का खाली ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप साइड पर कहीं पे भी प्लांट दे सकते हैं। यहाँ पे हो गया एमएन के लिए, या यहाँ डिफॉल्ट, यहाँ पे कहीं पे भी आप प्लांट दे सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ से पुश ना करें। एक बार बॉम्ब प्लांट करने के बाद आप साइड पर वेट कर सकते हैं कि सिटी वाले जब रीटेक का ट्राई करेंगे पुश करके, तो आप उनको मार के गिरा सकते हैं। तो ये तो होगा। इसके लिए आपको बेसिकली तीन प्लेयर चाहिए होंगे। साथ में एक मैं बोनस ये बता देता हूँ कि अगर आपके तीन प्लेयर नीचे हो गए, एक आपको एमएन का कवर दे रहा होगा ताकि मतलब जब स्मोक कर रहे हैं तो कोई मारे ना, चौथा प्लेयर अगर आपका पैलेस में जाता है तो यहाँ से मतलब कुछ नहीं करना है। जैसे ये एरिया है बिल्कुल इसके कोने में आ गए आप, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से आप अगर ये वाले जो एरिया है इसका, ये वाला डॉट वाला बिल्कुल इसका एंड वाला, यहाँ पर अगर आप एम करेंगे क्रॉस एयर से कहीं पर भी, यहाँ से आके ये जो डबल है ना, एक दो, तो दूसरे वाले पे जाके आप यहाँ से आप एम कर लेंगे यहाँ पे, तो ये अंडर पैलेस का मॉली हो जाएगा। इससे अगर बाई चांस अगर कोई अंडर पैलेस मॉली में होगा तो वो भी जल जाएगा, तो वो भी बाहर आ जाएगा, या आपको मॉली से आवाज़ आ जाएगी, तो आप उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो तीन प्लेयर आपके स्मोक करेंगे, एक आपको एमएन का कवर देगा, चौथा बंदा मॉली करेगा। इससे आप प्रॉपर ए साइट का अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि एक तरह से स्मोक हो रखा है और उसके बाद भी आपको मॉली करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाले के यहाँ पे आएंगे,
इसका जो ये वाला एरिया है, ये ऊपर वाला, यहाँ पे आप एम करेंगे अपना क्रॉस हेयर, यहाँ लेके आए, यहाँ से आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे, डब्लू डी और एस का, एस और ए बटन का आप केवल यूज़ करेंगे अगर आप मूवमेंट यूज़ करते हो तो, मतलब एक बैकवर्ड मूवमेंट और एक लेफ्ट मूवमेंट, केवल दो ही बटन्स का आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अगर स्मोक होगा तो भी आपका क्रॉस हेयर बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगा जहां मैंने बताया था। तो अगर आपके सामने स्मोक है उसके बाद भी अगर आप मॉली फेंकेंगे वो अंडर पैलेस चला जाएगा जिससे आप मार सकते हैं अगर कोई बंदा अंडर हुआ तो। तो यही था इतना ही ट्यूटोरियल के लिए, तीन स्मोक्स प्लस एक मॉली बोनस था और एक बंदा जो एम एन कवर देगा, तो पांच प्लेयर की अगर आपकी कॉम्पिटिटिव टीम है यू कैन ईजिली मेक इट आउट। थैंक यू।